global advertisers, scaling new heights in outdoor media. फिल्म किलर हीरो की शूटिंग की शुरुआत आइटम सॉन्ग से की गई, जिसकी शूटिंग मुंबई स्थित वासी के खूबसूरत से जगह पर की जा रही है। समाज से जुड़ी है फिल्म किलर हीरो की कहानी। फिल्म में मजा तब दुगना हो गया, वजह यह है कि फिल्म में अभिनेता राजपाल यादव भी भूमिका में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आइटम सॉन्ग में रेड कलर की शर्ट में नजर आ रहे हैं सबके चहेते राजपाल यादव। देखिए क्या कुछ कहना था फिल्म के स्टार कास्ट निर्माता निर्देशक का मुंबई से इस खास रिपोर्ट। उत्साहित तो बहुत हूँ मैं, और आज हमारा पहला दिन है शूटिंग का, पहला दिन है और हम गाने से शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म की आइटम सॉन्ग की शूटिंग है, राजपाल जी के साथ मेरा आइटम सॉन्ग है, प्लस इस फिल्म में मैं काफ़ी सारे मेरे रोल्स भी है जो हम आगे और दो तीन दिन में शूट करने, पहली बार काम कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। अभी तक हमने, अभी तो ब्रेक हुआ है हमारा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, शूटिंग स्टार्ट होगा तो फिर देखते हैं क्या समझ आएगा। तो ये जो आइटम, इसे इसके एक सिग्नेचर लाइन ये है कि पिंकी की नौटंकी चालू हो गई, बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग है जी। इस समाज को बहुत सारा मैसेज देना था, और हमारे फिल्म में जो है बहुत सारे समाज के लिए मैसेज हैं, और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हमारे फिल्म में बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं जगह जगह पे, सब बहुत सारे जातिवाद पे हैं, समाज में बहुत सारे आडंबर हैं और बहुत सारी समस्या है जो समाज के, जो इस फिल्म के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। राजपाल जी के विषय में तो अब हम लोग क्या कहेंगे, हमारी ये पहली फिल्म है, राजपाल जी को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है ना, और उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, जो कैरेक्टर उनको दिया जाता है उस कैरेक्टर को बेहतर तरीके से उन्होंने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वर्क विद माई डायरेक्टर सर एंड माई प्रोड्यूसर एंड ऑल द टीम इज सुपर्ब। एंड इसमें मेरा जो किरदार है वो श्वेता का रोल मैं इसमें प्ले कर रही हूँ, जो कि राज जी जो हैं उनके ऑपोजिट हैं, मतलब उनका शायद आई गेस सर क्या कहना चाहेंगे, लव ट्राइंगल, राइट? आई एम राइट, राइट? सो लव ट्राइंगल है, और आई थिंक सो एंड आई होप कि एकदम सुपर्ब और बहुत मजा आने वाला है काम करके। लव ट्राइंगल में एक्सपीरियंस, देखो ये डिपेंड करता है यू नो कि आपका सर्कल क्या है, आप किन लोगों के बीच में हो, यू नो आपको गाइड करने वाला कौन है। हमारे डायरेक्टर सर हमें मिले हैं, राइट? सो ही इज सच अ नाइस पर्सन। अब आपको जब ऐसे ऐसे मिलते हैं अपने साथ, यू नो अपने साथ लेकर जाने वाले, तो आपको बहुत ही यू नो आपके लिए ईजी हो जाता है वो सब चीज़ें करना। एंड माई सेल्फ आई एम अ डॉक्टर, सो मैं डेंटल सर्जन थी पहले, सो मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं इस फील्ड में आई हूँ। सो मेरे लिए तो बहुत ही यू नो बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही मज़ेदार है, अभी तक तो 2 साल का सफ़र है, दैट्स इट। बड़ी जिम्मेदारी है, राजपाल जी अभी मेरे यार इंटरव्यू ले रहे थे, क्लास ले रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मैं वो था, डिप्रेस में आ गया था, कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस हो रही थी ना वो सॉन्ग को लेके, तो परेशान थी, अभी ठीक है, वर्कआउट कर लिए हैं उसको। तो निर्देशक के तौर पर किस तरह का, जैसे जो ओरिजिनलिटी होती है समाज में जो घटित होता है उस पर मैं मतलब प्रहार करता हूँ, मैं राइटर भी हूँ, तो जिस तरह से समझ लो समाज में जो घटित होता है, जैसे अभी चल रहा है कि दलित और ठाकुरों के बीच में चल रहा है, जातिवाद को लेकर चल रहा है, धर्मवाद को लेकर चल रहा है, तो इस तरह का मेरा मतलब प्रहार रहता है। हो सकता है, मगर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा होना चाहिए, अच्छा कंट्रोवर्सी होगी तो अच्छा है, कंट्रोवर्सी होगी तभी तो लोग जानेंगे, नहीं तो कौन जाने। जैसे अभी राज जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला मुझे आपने निगेटिव बना दिया, मुझे निगेटिव रोल दे दिया और मैं आपको निगेटिव लगता हूँ, तो सब सारी कंट्रोवर्सी इधर से शुरू हो गई है, राजपाल जी मेरे बीच में हो गई। मैं ठाकुर का बेटा बना हुआ, अच्छा, और मेरा किरदार थोड़ा हटके है, और जाकिर हुसैन जी मेरे पिता बने हुए हैं, और पिक्चर का नाम है किलर हीरो। तो मेरा एक गांव जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच से मेरा किरदार है, नाम नहीं डिसाइड किए अभी, दादा जो राधेश्याम जी हैं उनके जरिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने हमको दिया है किरदार, अभी निर्धारित नहीं किया है। मेरा कॉलेज का सीन है, तो अभी तो मैं हस्टी कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, राजपाल के साथ बड़े एक्टर हैं, उनके साथ अभी पहली फिल्म है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आगे चल के भी हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। और इस फिल्म में इसमें मैं एक इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहा हूँ, जिसमें राजपाल जी मोनिका जी के प्यार में पल करके अपनी बीवी की हत्या कर देते हैं, जिसकी मैं छानबीन कर रहा हूँ। और तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, आपसे मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, मैं बेसिकली यूपी से हूँ और ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और मैं सबसे पहले तो अपने प्रोड्यूसर साहब को धन्यवाद दूंगा, माननीय परम भादरड़ी हमारे डायरेक्टर साहब श्री राधे श्याम यादव जी को धन्यवाद दूंगा जो आज उनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पहुँचे बहुत बड़ा काम करने के लिए। जो मेरा कैरेक्टर है वो चूँकि हम यूपी से, वैसे भी यूपी से मैं हूँ, तो वहाँ इस चीज़ का मतलब जो चीज़ चल रहा है, मैं दलित का रोल कर रहा हूँ